शिक्षण के बारे में पिछले मैंने बताया था कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। मैंने बताया था कि माइक्रो टीचिंग शिक्षण का वह रूप है जिसमें हम छोटे रूप में किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे रूप में पढ़ाते हैं। माइक्रो टीचिंग का फायदा ये होता है ना कि टीचर जो है टीचिंग करना यानी अध्यापन पाठ करना सीख जाता है। उसमें जब भी हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें एक कौशल स्थिर होते हैं, उसमें एक कौशल का प्रयोग करते हैं अपना अध्यापन पाठ करता है और उसमें एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग कर सकता है। एक माइक्रो टीचिंग मतलब एक लेसन प्राप्त है पढ़ाएगा तो उसमें एक स्किल सीख पाएगा, उसमें कई स्किल मिक्स करके भी पढ़ाता है। जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल है और एनकोडिंग यानी कोडर बनाना शिक्षण कौशल, ऐसे बहुत सारे जीवन परिवर्तन कौशल है, बहुत सारे कौशल हैं। एक का इंडिविजुअल शिक्षण कौशल है शिक्षण यानी जैसे प्लान में कंप्लीट करके उसको 5-6 मिनट में पढ़ाना पड़ता है, यानी 5 से 10 स्टूडेंट होगी उनके साथ वाले हो सकते हैं। जैसे बीएड क्लास में चलता है तो बीएड क्लास के ही बच्चे उनके साथ वाले 5-6 बच्चे या 10 बैठ जाते हैं, ठीक है। एक ही ग्रुप में से एक बच्चा यहाँ पर माइक्रो टीचिंग करता है और एक कौशल का प्रयोग करके और उसमें जो है जो करके उनमें जो प्रैक्टिस उन पर विशेष ध्यान देगी वो टीचिंग का करता है। हमें इन स्कूलों में जितने भी घटक हैं उन पर ध्यान देकर ही पढ़ाना पड़ता है ताकि वो हमारे स्वभाव में आ जाए और अच्छे से जो है समझ सकें और उन्हें भी उत्तर प्राप्त कर सकें, है ना। अब इसके बाद जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये चक्र चलता कैसे है इसके बारे में मैं बता रहा था आपको। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है तब तक चलता रहता है कौशल में निपुण ना हो जाए, ना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र वैसे 36 मिनट में मतलब 36 मिनट का होता है एक सर्कल, ऐसे कई सर्कल चल सकते हैं जब तक वो उस चीज में निपुण नहीं हो जाए। मैं एक सर्कल में आपको बता दूंगा उसके बाद वो बस समझ आ जाए, ऐसे ही सर्कल हमेशा कंटिन्यू चलेंगे जब तक वो चीज सीख मिल जाए, इसके लिए निपुण नहीं हो जाता। सबसे पहले लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है। लेसन प्लान बनाने के बाद हम उसको पढ़ाएंगे माइक्रो टीचिंग, है ना। फिर उसका क्या होगा यहाँ के फीडबैक यानी आलोचना या फिर दृष्टिकोण से हम अपने जो हमने पढ़ाया उसके बारे में से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बारे में जानेंगे। अगर रिस्पॉन्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है ना, जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ उनके अंदर परिवर्तन या वो चीज नहीं सीखी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे री प्लान यानी री लेसन प्लान बनाएंगे। दोबारा से हम लेसन प्लान का निर्माण करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम रीटीच करेंगे, रीटीच करेंगे। इसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे रीफील बैक लेंगे, और ये बात हो जाएगा। ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहता है जब तक हम उस कौशल में निपुण नहीं हो जाते।
छः छः का चलता हुआ सर साइकिल की ओर। सर ये 12 था ये भी 6 का होगा सर। 42 42 सर